प्रणाम करता हूं बिहार के तमाम लोगों को। और मैंने कोरोना पर कई बार बोला है, आज फिर बोलने की जरूरत पड़ गई है। कोरोना में ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन का महत्व समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यही समझाने के लिए बार बार बोलता हूं कि कोरोना बहुत ही भयंकर महामारी है, एक आदमी से हजारों आदमी, हजारों से लाखों को फैल सकती है। अमेरिका में 1 लाख इसके मरीज हो गए हैं और यूके में तो देखिए वहां के प्रधानमंत्री से लेकर प्रिंस चार्ल्स तक को ये बीमारी हो गई है। और स्पेन जैसा देश ढह गया, इटली ढह गया, अमेरिका ध्वस्त हो गया, चाइना की हालत खराब, और दुनिया के बड़े बड़े जो अपने को मेडिकली एडवांस कंट्री समझते हैं उनकी हालत खराब है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे महामारी से निपटें। एक ही तरीका है, कोई दवा नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, एक ही दवा है, संक्रमण से बचिए। और संक्रमण से बचने का एक ही तरीका है, किसी को छूना नहीं है, भीड़ में जाना नहीं है, कोई सामूहिक पूजा नहीं, इबादत नहीं, अनुष्ठान नहीं, यज्ञ नहीं, जुलूस नहीं, कुछ नहीं, अपने अपने घर में छुप करके रहना है। और बहुत आपातकाल स्थिति में ही प्रशासन की अनुमति से बाहर जाना है। यही बात मैं समझा रहा हूं। ऐसे भीषण संकट के समय हमारे गरीब बिहारी मजदूर जो बाहर में काम करते हैं, भारी संख्या में अभी तो बॉर्डर पर आ गए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमें बहुत हमदर्दी है उनसे, हम सब बिहार वासियों को बहुत प्यार है उनसे, उनकी पीड़ा हम समझते हैं। भूखे प्यासे थके हारे मादे कहां कितनी दूर से आ रहे हैं, लेकिन ये उनको समझना चाहिए कि वो जहां से आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों से उनका स्पर्श हुआ होगा, कितने लोगों को उन्होंने छुआ होगा, और ऐसी स्थिति में ये कहना मुश्किल है कि किसके माध्यम से किसको संक्रमण हो गया होगा। तो अब आए हैं, अब बॉर्डर पर आएंगे, उनके लिए तो भला यही है कि वो बॉर्डर पर अपनी जांच करवा लें, अपना नाम पता टेलीफोन नंबर दे दें, कहां से आए हैं ये सारा डिटेल दे दें। जांच कराने के बाद सीमा पर जो आए हैं क्वारंटाइन करने के लिए वहां रहें। बिहार सरकार ने उनके रहने के लिए, खाने के लिए, दवा के लिए, सब कुछ के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। इसके बाद कुछ लोग बॉर्डर से निकल गए हैं, घरों की तरफ जा रहे हैं, तो घर में पत्नी से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, मां बाप से मिलेंगे। अब ये उनको पता नहीं है, वो समझते हैं मैं स्वस्थ हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये संक्रमण तो 14 दिन के बाद पता चलता है। तो अनजाने में न चाहते हुए भी जिसको बहुत प्यार करते हैं उसको ये बीमारी दे सकते हैं। इसे गांव में भी जाए तो एकदम क्वारंटाइन होकर के रहें, जिनको थोड़ी भी इस बात की आशंका हो, कोई लक्षण हो, तो गांव के बाहर स्कूल में रहें, घर के लोग दूरी बनाते हुए उनको खाना पहुंचा दें। 14 दिन तक अपने को बिल्कुल आइसोलेशन में रखें, किसी से संपर्क न करें, 2 मीटर की दूरी पर रहें, घर वाले खाना भी दें तो थोड़ी दूरी बना करके उनको खाना दे दें, यथासंभव बाथरूम अलग इस्तेमाल करें। ये सावधानी अगर बरतेंगे तो बिहार बच जाएगा, ये देश बच जाएगा, ये बहुत जरूरी है। मटर गश्ती करने वालों के लिए फिर दोबारा कह रहा हूं, मटर गश्ती करने के लिए रोड पर निकलेंगे, कुछ लोग बैठ करके ताश खेलते हैं, कुछ लोग बैठ करके गेम खेलते हैं, कुछ लोग समूह बना करके बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए निकल जाते हैं, कहीं कहीं ऐसी शिकायतें मिली हैं। तो एकदम ये मना है, कानूनी कार्रवाई होगी, आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है, आपको जेल जानी पड़ सकती है, स्पीडी ट्रायल हो सकता है, गुंडापंजी में नाम दर्ज हो सकता है। ये आपके लिए सब कहा जा रहा है, एक ही तरीका है संक्रमण से बचना है, बचाना है, और उसका एक ही तरीका है कि आइसोलेशन में रहना है। तो बिहार के बाहर से आने वाले तमाम मजदूरों को मैं बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, भाई आप आए हो, भीड़ में आए हो, किसको छुए हो, किसने आपको छुआ है, आपको कुछ नहीं पता, बहुत खतरनाक बीमारी है, अपने घर वालों को बचाओ, परिवार वालों को बचाओ, बीवी बच्चों को बचाओ, गांव वालों को बचाओ, सबको बचाओ, और एकदम क्वारंटाइन में रहो 14 दिन तक, किसी को स्पर्श नहीं करना, किसी को टच नहीं करना। और इस बात को नहीं समझोगे तो पूरा बिहार ध्वस्त हो जाएगा, पूरा देश परेशानी में पड़ जाएगा। ये मानवता पर संकट है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, या ईसाई हो, मजदूर हो, नौजवान हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी को ये कोरोना पहचानता नहीं। कोरोना के लिए कोई जात का भेद नहीं, कोई मजहब का भेद नहीं, कोई पार्टी का भेद नहीं, कोई प्रांत का भेद नहीं, कोई भाषा का भेद नहीं, कोई भेद नहीं है।
करोना जिसको भी चाहे अपनी चपेट में।